खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। दो एजेंडे थे, तो हरा भरा हरियाणा उस अभियान के सफलता के लिए, दूसरा हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के सभी जिलों में उनके प्रवास रहने वाले हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने पहली प्रेस वार्ता में पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि पर्यावरण जिस प्रकार से दूषित है, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां बड़ा विकट रूप ले रहा है हमारा जो पर्यावरण है, और ये समस्या केवल हरियाणा की नहीं, पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की समस्या है पर्यावरण के लिए। तो मुझे लगता है पहला ऐसा एक राजनीतिक दल है जिसने अपने राजनीतिक पार्टी गतिविधियों से अलग होकर के पर्यावरण के ऊपर पहला विषय अध्यक्ष बनने के उपरांत इस विषय को लिया है। जिम्मेदारी के नाते 23 को इस प्रकार की घोषणा की थी, 24-25 को इसका होमवर्क करके कल 26 तारीख से पूरे प्रदेश भर में हर जिला में जा करके कार्यकर्ताओं के साथ इस अभियान को सफल बनाने के लिए आह्वान। तो अभी सुबह हिसार में बैठक थी, अभी 2 बजे भिवाड़ी में थी, अपने सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को एक मारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा इस ये अभियान लिया है, और इसके अंदर 3 अगस्त से जिस दिन रक्षाबंधन का दिन है उससे लेकर के 16 अगस्त जिस दिन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि थी, और 3 तारीख को रक्षाबंधन के दिन उस पौधे को रक्षा सूत्र बांध करके सेल्फी विद ट्री हरा भरा हरियाणा bjp@gmail.com पे उसको सेंड करना, मंडल अनुसार उसकी एल्बम, और हर मंडल में उस दिन 100-100 पौधे लगें। इसके अलावा जो पार्टी के विधायक सांसद, पूर्व विधायक सांसद, पंचायत समिति के, जिला परिषद के, और जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के जो भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, अपने संगठन के जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, वो सारे मिलकर के 31,000 पौधे उस दिन 3 तारीख को पौधे को रक्षा सूत्र बांध करके उसकी रक्षा सुरक्षा का प्रण लेंगे, और ये 15 तारीख तक इस अभियान के अंदर हर मंडल में लगभग 1500 पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है, और पूरे प्रदेश के अंदर ये लगभग 5,11,000 पौधे भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगाने का काम करेगा, और 16 तारीख को जिस दिन पुण्यतिथि अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, उस दिन उनकी पुण्यतिथि पर हर गांव में और हर वार्ड में एक त्रिवेणी जिसमें वर्ड पीपल और नीम का पौधा लगाने का लक्ष्य लिया है। उस नाते आज बैठक थी सुबह हिसार और भिवाणी, शाम को दादरिया से, कल के दिन के लिए भी नारनौल में 10 बजे है, 2 बजे रिवाड़ी है, और 5 बजे के करीब झज्जर में है। तो ऐसे लगभग 5-6 दिन का शेड्यूल लगभग 16-17 जिलों में जाने का है। उसके बाद 2 दिन बाद फिर जो जितने भी रिमेनिंग जिले हैं तो उन जिले में जा कर के, और इस अभियान को हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक प्रदेश को अच्छे वायुमंडल के लिए, अच्छे पर्यावरण के लिए कम से कम 30% वन क्षेत्र होना चाहिए। दुर्भाग्य इस बात का हरियाणा में केवल 7% है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने इस टेन्योर के अंदर 20% जो है वन क्षेत्र लगाने का संकल्प लिया है। दूसरा विषय, ओम प्रकाश धनखड़ जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पूरे प्रदेश के उनके प्रवास रहने वाले हैं, और ये लगभग 20 अगस्त तक सारे जिलों के अंदर प्रवास उनका हो जाएगा। एक अच्छे भव्य ढंग से, अच्छे तरीके से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा, जोश और स्फूर्ति और कार्यकर्ताओं के अंदर आए, क्योंकि लॉकडाउन तक जो है ना कोई ऐसी बैठक नहीं हुई, केवल वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल अपनी बैठक होती थी, लेकिन एक रूबरू जो है ना लॉकडाउन के बाद ऐसी बैठकें का आयोजन हुआ है, और उनके प्रवास में अच्छी भारी संख्या के अंदर कार्यकर्ता में जोश हर्षोल्लास हो, और मुझे लगता है, और ये 2024 के लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने संघ की भट्टी से तपे हुए ऐसे स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं को प्रदेश के संगठन की बागडोर संभाली है, और उनके संभालते ऐसा लगता है जैसे कार्यकर्ताओं में नया जोश और स्फूर्ति है आने वाले 24 के चुनाव में। जैसे मैंने कहा है, नमो मनोसंग ओम का जयकार, और हरियाणा में फिर एक बार मनोहर सरकार, 2024 में फिर से मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बने, उसका रास्ता प्रशस्त होगा। जैसे कि मुख्यमंत्री जी भी बार बार, विपक्ष बार बार बोल रहा है कि चुनाव है, इसलिए वहाँ पर जो है घोषणाएं घोषणाएं हो रही हैं। नहीं, मुझे ये बताओ, ये तो केवल अपने इलाके में घोषणा करते थे, ये रोहतक लोकसभा जहाँ ख़त्म होती है ना, उसके बाद की सड़क देख लेना उस समय की, यानी कि रोहतक लोकसभा जैसे जींद रोड पर है ना, जहाँ जींद जिला शुरू हो गया वहाँ सड़क टूटी पड़ी थी,
ये तो मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा के अंदर एक समान रूप से विकास कार्य करवाए हैं। जहाँ बड़ौदा के चुनाव की बात आती है, ये जींद के उपचुनाव में भी कहते थे जींद का उपचुनाव जीते हैं, सारे जो है ना हम मेयर के चुनाव जीते हैं, 10 की 10 लोकसभा जीते हैं। और ये जो बात कह रहे हैं ना हुड्डा जी को लोकसभा के अंदर भी चित किया है और दीपेंद्र को रोहतक से चित किया, और वो तो उनके लिए तो खोने के लिए है सब कुछ, क्योंकि पिछले 6 प्लान से जो है ना उनका विधायक है, और हमारे लिए पाने के लिए सब कुछ है। इसलिए अपना कार्यकर्ता अच्छे भारी मतों से बड़ौदा में कमल का फूल खिलाएगा। और उन लोगों को देखो जिनका एक ही MLA वो कह रहे बड़ौदा से हम लोग जीते हैं, ठीक है ना सर। इस प्रकार से विपक्ष आजकल आरोप लगा रहा है, उनका कहना है कि घोटालों की सरकार है, पहले धान घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, अब रजिस्ट्री घोटाला हुआ, इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं उससे किस प्रकार से बच पाओगे? देखिए उनके पास कोई विषय नहीं है, मैं बताता हूँ। ये उन्हीं के ज़माने के सारे जो है ना इस प्रकार के ये काम हुआ करते थे। लेकिन मनोहर लाल जी को मैं देखी तो नहीं, एक स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। HSSC में उनको लगा ऐसे लग रहा है, तुरंत उनको जेल में डालें जेल में। इसलिए जहाँ इस प्रकार की भी गड़बड़ियाँ हैं, तुरंत अपनी सरकार खुद उन लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है। ये लोग उनसे मिलकर काम करते थे, ये लोग उनसे मिलकर के काम करते थे। लेकिन मनोहर लाल जी ने अगर कहीं भी इस प्रकार के अगर कोई अधिकारी या कोई ऐसा कर्मचारी मिलता है, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेकर उनको जेल में डालने का काम करते हैं। सर PK यादव की बात की है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद लोगों को हटाया गया, आज वो हड़ताल पे है, क्या स्टैंड रहेगा सर? देखिए मेरा अपना मत है, लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ, मैं मुख्यमंत्री जैसे हमारे मनोहर लाल जी हैं, ऐसे दरियादिल मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर में, उदाहरण के तौर पर भजनलाल के समय जो भर्ती हुई थी वो रिजेक्ट हुए, औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान चौटाला ने भर्ती किए थे उनको भी BJP की सरकार ने, मनोहर सरकार ने SPO लगाने का काम किया। गैस टीचर लगातार 10 साल सरकार रही ना, गैस तो 5-10 दिन का होता ना, घर में भी अगर गेस्ट आ जाए 2-4 दिन मामों का बच्चा आता ना अपने मामे का, 4th दिन कह दें दंती पल्ली ठाक हंस लेगा जब पराड़ी लदवा के लिए ट्रली, इतने दिन गैस टीचरों को बहका करके रखा है, उनको भी मनोहर सरकार ने लगाने का काम किया। अपने जो कंप्यूटर टीचर थे, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट थे, तो इन सबको JBT टीचर थे, उन सबको जो है ना रीइंस्टेट करने का काम मनोहर सरकार ने किया है। जहाँ बात आपने PTA टीचर की 1983 जो बच्चे हमारे नौजवान साथी लगे हैं, ये हुड्डा की सरकार में लगे थे। मैंने 2 महीने पहले भी कहा था, आप जैसे साथी ने पूछा था, ये तो अगर तो उनके डॉक्यूमेंट चेक किए, अगर वो गलत हैं तो भी HSSC जुर्मदार है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो तो हुआ है अभी, हुआ 15-20 दिन पहले। अगर चेक नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किए, तो भी वही गुनाहगार है। लेकिन मैं कह सकता हूँ उनको चलाने वाला कौन है, जैसे JBT टीचर के घोटाले के अंदर शेर सिंह बड़सामी और ये जो है ना अजय और जो है ना ओम प्रकाश चौटाला जेल में, संजीव कुमार IAS, तो इनके ऊपर भी जिनका वरदस्त है, इनको भी जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और जहाँ दरिया दिल्ली की बात आती है, और मुख्यमंत्री जी से हम भी निवेदन करते हैं इन सभी साथियों को रीइंस्टेट करें। लेकिन मुझे इस चीज़ का बड़ा मलाल है कि हमारे जो साथी हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ से मैं तो डरने वाला नहीं हूँ, हमारे परिवार के जो मैंने कहा मेरी हमदर्दियों के साथ हैं, कांग्रेस के लोग किस मुँह से उनके पास जा रहे हैं, किस मुँह से जा रहे हैं उनके पास, और वो उनका कह रहे हैं, उनका समर्थन मांग रहे हैं, वो कह रहे पहली कलम से कर दूँ। अरे तुम्हारी सरकार थी ना, ये मामला क्यों चला गया वहाँ से, तब उन्होंने क्यों नहीं लगाया उनको? तो इसलिए उन लोगों के साथ धोखा किया है, और इन सभी हमारी हमदर्दी इन सभी अध्यापकों के साथ हैं। मुख्यमंत्री जी ने कमेटी गठित करी, वो जैसे फैसला करेगी उनको लगाने का काम करेगी।